देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम किसान योजना पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही कहा कि पीएम किसान योजना के जरिए किसानों के खाते में 75,000 रुपए भेजे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 14 लाख किसानों के ट्यूबवेल बिल माफ भी किए गए। साथ ही उनकी सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती पर भी जोर दे रही है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों कि आय को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारे अन्नदाता किसानों की ही मेहनत का परिणाम है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में हमारा हिस्सा मात्र 12% है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों की प्रयास का परिणाम है, उनके परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न की 20% से अधिक की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक अपने 2,62,00,000 किसानों के खातों में 75,000 करोड़ रुपए से की अधिक धनराशि आंतरित कर चुकी है। अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होकर 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचन क्षमता के क्षमता सृजित कर चुकी है, जिसके माध्यम से 46,69,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की देने की व्यवस्था के तहत 14,00,000 से अधिक किसानों को अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए हैं। सिंचाई हेतु जून मास तक 66,000 से अधिक सोलर पंप स्थापित भी किए गए हैं। एग्रीस्टेक योजना में 99,000 राजस्व गांवों को जियो रेफरेंस विलेज मैप तैयार किया गया है। 2024-25 में समस्त जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वर्ष 17 से अब तक 2,53,000 अधिक से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। 23-24 में गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई। अगेती प्रजातियों का ₹370, सामान्य प्रजातियों का मूल्य ₹360 और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य ₹355 प्रति क्विंटल अन्नदाता किसान को भुगतान किया जा रहा है। श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु किए गए प्रयासों से वर्ष 23-24 में मिलेट के क्षेत्रफल में 24.4% और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई है। जनपद आगरा में अंतरराष्ट्रीय अनु केंद्र का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 27 जनपदों में गंगा जी के तटीय क्षेत्रों का बुंदेलखंड में 1,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती का गौ आधारित प्राकृतिक खेती को प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं आधी आबादी के सशक्तिकरण के बगैर कोई भी समाज समृद्धि के नए पादान को नहीं छू सकता। प्रदेश सरकार आज प्रदेश की नारी शक्ति के उन्नयन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। देश और प्रदेश के विकास में इस आधी आबादी की बड़ी भूमिका है। महिला सशक्तिकरण के लिए इसीलिए सरकारों का पूरा ध्यान उस ओर गया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 19,34,000 बालिकाओं को लाभान्वित कर रही है। योजना राशि अब लाभार्थी को ₹15,000 से बढ़ा करके ₹25,000 की गई है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 3,82,000 से अधिक गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न कराने में सफलता प्राप्त हुई है, तो 39,000 से अधिक वीसी सखी द्वारा 26,853 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन और 72,30,00,000 रुपए का कमीशन भी अर्जित किया गया है। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।